आज की वीडियो जो है ना शेड कार्ड पे है, शेड कार्ड को रीड करना आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम नेचुरल सीरीज से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल कलर कौन से हैं? 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 और 10.0, ये हमारे नेचुरल शेड हैं। ओके मैम। जिनके साथ हम ग्रे कवरेज कर सकते हैं। ग्रे कवरेज हमेशा नेचुरल शेड के साथ होती है। 5.0 के साथ भी कर सकते हैं, 6.0 के साथ भी कर सकते हैं, 7.0 के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा जैसे कि ज़्यादा आपके लाइट हेयर हैं, आपने 8.0 पे ग्रे कवरेज करनी है, तो बेहतर है कि जो एक्स्ट्रा कवरेज वाले हैं ना, जैसे 8.00 है, तो आप वो सिलेक्ट करें जब आप लाइट की तरफ जाते हैं। डार्क में आपका 6.0 तक इनके साथ कवर हो जाता है। ये देखें, ये एक्स्ट्रा कवरेज वाले हैं, ये सारे जो कलर्स हैं ना, ये एक्स्ट्रा कवरेज वाले हैं। 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 और 9.00, ये वो वाले शेड हैं जिससे आप ग्रे कवरेज कर सकते हो। ग्रे कवरेज क्या होता है? वाइट बालों को कवर करना। तो ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा कवरेज रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि आप इनको जो नीड है एक्स्ट्रा कवरेज की, मतलब नीड है और नेचुरल की नीड नहीं है इन दोनों में? अगर आपके पास कोई बाल आता है जिसका लेवल ये है, अब ये लेवल है, ठीक है, नेचुरल भी है और लेवल है। अब हमारे जो एशियंस हेयर हैं वो 3 और 4 के लेवल के होते हैं। बहुत ही, कोई किसी के जट ब्लैक होंगे, आप लोग देख लेना राउंड अबाउट हेयर्स का देख लें लेवल। अच्छा, लेवल की आपको समझ, आप लोगों को लेवल की नहीं आती कि लेवल, मेन लेवल यही होती है। लेवल का मतलब ये है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरा बाल 4 के लेवल का है, आपके 5 के लेवल का है और इनका 6 के लेवल का है। ये लेवल होते हैं। जैसे गोरे हैं, उनका नेचुरली ही बाय बर्थ ही उनका 7, 8, 9, 10 लेवल होता है, लेकिन एशियंस का 3, 4, 5, बहुत कम होगा किसी का 6 का लेवल होगा। लेवल आप लोगों को समझ आ गई है? यस मैम। मतलब लेवल ये होते हैं कि जो आप लोगों के बाल होते हैं। अच्छा, आपने क्या क्वेश्चन किया था फिर? कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा, देखिए, किसी ने अपने बालों में सिर्फ 1 शेड डाई करवाया हुआ है, उन्होंने 9 का लेवल करवाया हुआ है और उनकी ग्रे कवरेज है, रूट टचिंग है, 100% रूट टचिंग है, तो उसके लिए ये देखें एक्स्ट्रा कवरेज। उसमें अगर उनके बालों का लेवल 9 है ना, यहाँ से ये देखें 9 है, तो आपने ग्रे कवरेज के लिए एक लेवल पीछे लेना है, एक लेवल पीछे। हाँ, 8.0, अगर 8 होगा तो 7.00। सही, क्योंकि फ्रंट से लाइट कलर अच्छा नहीं लगता। सही, फ्रंट पे आपने एक लेवल डाउन ही जाना होता है। अगर आपने लेंथ में कलर की एप्लीकेशन करनी है तो उसके लिए आप अलग मटेरियल मिक्स करें और उसमें फिर आप सेम ले सकते हैं। ग्रे कवरेज है वो फैशन शेड के साथ नहीं होती, और जो पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं वो फैशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि 6.3 है, 6.33 है, और ये तो एक्स्ट्रा कवरेज वाले हो गए हैं। 9.03 है, यहाँ पे 6.13 है, तो इनके साथ ग्रे कवरेज नहीं होती। ग्रे कवरेज सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा कवरेज वाले जो नंबर हैं उनके साथ होगी या फिर नेचुरल में। मैम, अगर जिन्होंने ग्रे कवरेज भी करवानी है और फैशन शेड भी करवाना है, तो पहले फैशन शेड कर लेंगे फिर? नहीं, ग्रे कवरेज इसका अलग प्रोसीजर है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साथ एक, मतलब एक टाइम में दोनों काम, कि ग्रे कवरेज भी करनी है और फैशन शेड भी करना है, तो इसका एक अलग प्रोसीजर है। इस पे वैसे वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा ना, प्रॉपर प्रैक्टिकल करके ना मैंने दिखाया हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल के आपने, आपकी क्लाइंट आई हैं, वो कहती हैं कि मुझे कलर चाहिए 6.3 या 7.3। हाँ, उनका ऑलरेडी है, वो रीटच करवाना चाह रही हैं, फ्रेश करवाना चाह रही हैं, तो ये हो गया फैशन शेड और बालों में ग्रे कवरेज भी है। अगर बालों में 50% ग्रे कवरेज है तो आप 6.3 लेंगे 50%, और यहाँ पे जो नेचुरल कलर है ना 6.0, ये लेंगे 50%, और 20 वॉल्यूम के साथ दोनों को मिक्स कर लेंगे तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, फैशन शेड भी हो जाएगा और आपका ग्रे कवरेज भी हो जाएगा। अगर 7 है तो यहाँ पे 7.0 ऐड करेंगे, अगर 6.3 है तो 6.0 ऐड करेंगे, यानी कि फैशन शेड के साथ आपने नेचुरल ऐड करना है।
अगर आपकी ग्रे कवरेज कम है तो फिर आपने ये कलर भी कम डालना है। अगर आपके बालों में 20% है तो आपने फिर ये 20% डालना है, 30% है तो 30% डालना है, मतलब उस हिसाब से आपने मिक्सिंग करनी होती है। इनकी ये नेचुरल सीरीज है और लेवल भी हैं ये 1 से लेके 10 तक। 1 इसमें नहीं है, कई ब्रांड में होता है 1, ये डायरेक्ट 2 से स्टार्ट है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे ऐश की सीरीज है। पॉइंट के बाद जो एक है वो किसको शो करता है, ऐश को। बस ये 2-3 चीज़ें आप याद कर लेना तो आपको कोई इशू नहीं होगा। 1.1 से लेके 10.1 तक ये 1.11 है, यानी कि इसमें डबल ऐश ऐड है। 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 ये किस तरीके से बने होते हैं, ये हमारे पास, ये देखिए ना, ये मिक्सिंग कलर, ये हमारे पास देखें ये मिक्सिंग कलर हैं सारे। अगर आपके पास ये वाले मिक्सिंग कलर हों और आपके पास नेचुरल शेड हों तो आप ये सारा शेड कार्ड खुद बना सकते हैं। सिर्फ इनकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे करके, क्वांटिटी के फ़र्क की वजह से आपके मतलब ये शेड बनते जाएंगे। किसी में क्वांटिटी कम रखेंगे, किसी में थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, किसी में आप उस हिसाब से मेंटेन करते हुए मतलब ये सारे शेड बना सकते हैं इनके साथ। ये मिक्स टोन्स हैं और ये नेचुरल शेड हैं। अब जैसा कि 7.1 अब कैसे बना हुआ है कि इसमें ये 7 कलर ऐड है और ये जो है हमारा X1 ये इसमें ऐड है, ठीक है। तो ये 7.1 हो गया। ये इनकी है कूल ऐश, यानी कि इसमें ऐश की क्वांटिटी ज़्यादा है। 5.111, 6.111, 7.111, 8.111, 9.111, 10.111 कि क्वांटिटी इसमें इसकी ज़्यादा की है। जब ज़्यादा की है तो ये ऐश में है, ऐश में है, ज़्यादा ऐश में। अब वैसे तो ये देखें 10.1 भी ऐश है, लेकिन 10.111 ऐश है तो इसका ये वाला शेड है। समझ आ रही है आप लोगों को? जी। पॉइंट के बाद जो वन है वो किसको शो करता है? ऐश को। और पॉइंट के बाद यहाँ पे आ गया 3। ये कौन सी सीरीज है? गोल्डन सीरीज। कौन सी? गोल्डन। गोल्डन सीरीज। अब यहाँ पे 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3 ये सारे जो पॉइंट के बाद 3 हैं ये किसको शो करेंगे? गोल्डन को। आपके पास कोई क्लाइंट आया है वो कहेंगे हमें गोल्डन कलर चाहिए, या वो कहें 7.3, तो आपको समझ आना चाहिए कि क्लाइंट को गोल्ड में जाना है। और अब ये देखें ये जो X3 है ये हमारा गोल्ड को करेंगे, येलो नहीं मतलब ये गोल्ड को करेगा शो, ठीक है। अब ये कैसे कलर बने हैं? 7 नेचुरल आपने 7 लिया, 3 जो है वो आपने ये X3 वाला ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस करें, नज़दीक लेके आए कैमरा। अब यहाँ पे आप खुद देख लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीडियम गोल्डन ब्लॉन्ड, मीडियम गोल्डन ब्लॉन्ड। अब मीडियम ब्लॉन्ड ये देखें, ये हम 7 को देख रहे हैं ना, यहाँ पे 7 को देखें, ये लिखा हुआ है मीडियम ब्लॉन्ड। ये 7 क्या लिखा हुआ है? मीडियम ब्लॉन्ड। 7.0 के नीचे क्या लिखा हुआ है? मीडियम ब्लॉन्ड। मीडियम ब्लॉन्ड, ठीक है। अब जब इसके अंदर थोड़ा सा 3 यानी कि गोल्ड को ऐड किया है, इसको 3X3 को जब इसके अंदर ऐड किया है तो ये वाला नाम तो एज इट इज राइट, क्योंकि ये इसमें ऐड है, और ये क्या बन गया फिर? मीडियम गोल्डन ब्लॉन्ड। गोल्डन भी ऐड कर। आप नीचे से ये इनके नेम पढ़ेंगे तो यहीं से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 है, ज्यादा गोल्डन इसमें ऐड है, 6.33 है, 6.31 है, कि कई लोग थोड़ा सा कूल टोन पसंद करते हैं और 1 जो है वो कूल टोन है। मैम जहाँ पे 6.33 है, हाँ, तो हम इनको गोल्डन बनाने के लिए मतलब कौन सा यहाँ से लें? यहाँ पे तो X3 6.33 में तो गोल्डन ऑलरेडी ऐड है, ये जो X3 है ये गोल्ड है। यहाँ से पहले ये कलर समझ लें, ये देखें ये जो मिक्स टोन है ना, ये X1 ये ऐश को शो करता है, X3 गोल्डन को शो करता है, X5 जो है वो वॉयलेट है, ठीक है, X5 वॉयलेट है, X6 जो है वो रेड है, और X13 जो है वो ग्रीन है। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हम कलर खुद बना सकते हैं। और दूसरा ये एंटी कलर्स भी हैं,
अगर आपके बालों में पिगमेंट आ जाता है, जैसे आप पर डाउन करते हैं तो ऑरेंज पिगमेंट आपके बालों में आ जाता है, ऑरेंज पिगमेंट को ये कलर किल करेगा, ब्लू। हाँ ब्लू कलर। आप थोड़ा सा ये लें, आप थोड़ा सा ये कलर लें, इसमें पानी ऐड करें, पानी के साथ इसको मिक्स करके वॉश यूनिट पे ही बालों को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनका वेल पर डालने की जरूरत नहीं है। 10 वॉल्यूम ऐड कर भी सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, तो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर आपके बालों में आ जाती है रेड टोन, तो रेड टोन को आप इसके साथ करेंगे, ग्रीन के साथ। ऑरेंज को हम ग्रीन के साथ खत्म करेंगे, रेड टोन को हम ग्रीन के साथ खत्म करेंगे, और बहुत ज्यादा येलो होगा तो उसको आप वॉयलेट के साथ खत्म करेंगे। ये कलर एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के कलर्स को खा जाते हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। अगर आपके बालों में ऑरेंज टोन है तो वो ब्लू खत्म करेगा, अगर रेड टोन है, क्योंकि इन्हीं दो टोन का सामना करना पड़ता है, और उसको ग्रीन खत्म कर देगा। अगर बहुत ज्यादा येलो है तो उसको वाइट। जो पॉइंट के बाद डिजिट है इनका पता होना चाहिए। ये देखें, पॉइंट के बाद जो 4 है वो कॉपर को शो करता है। 4 किसको शो करता है? कॉपर को। कॉपर को शो करता है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये देखें एच सीरीज 6.111 से लेके 10.111 जो है वो एश की सीरीज है। नेचुरल सीरीज जो है वो 4.0 से 10.0 तक है। एक्स्ट्रा कवरेज वाली जो सीरीज है वो 4.00 से 8.00 तक है, और जो नेचुरल सीरीज है वो 4.0 से 10.0 तक है। और यहाँ पे जो बी सीरीज है 7.13, 8.13, 9.13, ये तीन जो हैं ये बी सीरीज हैं। गोल्डन सीरीज 4.3 से लेके 9.3 तक हैं। कॉपर जो है वो 4.4 से लेके 6.4 तक है। ये सारी सीरीज हैं, मोस्टली क्लाइंट यही कलर करवाने आते हैं। पॉइंट के बाद बस आपको पता होना चाहिए कि आपने कॉपर करना है तो आपने कौन सा कलर उठाना है, और आपने अगर गोल्डन करना है तो उसमें आपने कौन सा करना है। ये देखें, ये कॉपर के हैं कलर 4.4, 5.4, 6.4, 9.4। उसके बाद ये रेड के हैं 5.67, 5.50, 5.56, और ये मोहागनी के हैं कलर्स 4.5, 5.5, 6.54 और 4.56, और ये वॉयलेट के हैं। मैम, ये जो नीचे मोहगनी है ये हम करवा सकते हैं बालों पे? हाँ करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते। तो इसके लिए कट डाउन करना पड़ेगा या ड्रैग करेगा? अगर बालों का लेवल आपका 4 है, ठीक है, फिर आप इसको ड्रैग यूज कर लें 30 वॉल्यूम के साथ। अगर आपका बहुत मोटा हेल्दी बाल है तो फिर आप लिफ्टर यूज कर लें, आप रिलाइटनिंग ना करें, फिर आप लिफ्टर यूज कर लें, और लिफ्टर के साथ आप, लिफ्टर के बाद आप ये यूज करें 20 वॉल्यूम के साथ। अगर पतला बाल है तो 30 वॉल्यूम के साथ लिफ्टर यूज़ कर लें, और अगर बहुत हेल्दी और मोटा बाल है तो 40 वॉल्यूम के साथ करें, और उसके बाद फिर आप 20 वॉल्यूम के साथ ये करें। ये देखें, ये लिफ्टर होते हैं, ये लिफ्टर्स कलर्स होते हैं। अगर प्री लाइटनिंग नहीं करनी तो फिर कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लाइट नहीं होते, तो वो आप लिफ्टर के साथ कवर कर सकते हैं, जैसे 12 है, 13 है, 13.2 है। ये लिफ्टर कलर है? ये लिफ्टर कलर है। अगर इसकी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे ना तो आप इस लेवल पे जा सकते हैं, ये वाले 7 के लेवल पे चले जाते हैं। अगर आपके बालों का लेवल 4 है ना तो आप लिफ्टर के साथ आप जो है ना 7 तक चले जाते हैं, तो फिर इसके बाद आप ये 20 वॉल्यूम के साथ, आप ये कह रहे थे ना मोहगनी, ये आप 20 वॉल्यूम के साथ यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी सीरीज के साथ लिखा है कि आपने 30 वॉल्यूम के साथ करना है, 40 वॉल्यूम के साथ करना है। ये वैसे ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आगे भी मैं एक दफ़ा समझा चुकी हूँ लेकिन आप लोग नहीं थे उस टाइम। ये ना, ये देखें, ये अब नेचुरल सीरीज है, उसके बाद ये ऐश में है, ये गोल्डन में है। तो ये तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पे आपके बालों का लेवल होता है, जो आपके पास क्लाइंट आया होता है वो बालों का लेवल होता है। अगर क्लाइंट के बालों का ये लेवल है और वो करवाना चाहता है 4.0, तो आप 30 वॉल्यूम के साथ करेंगे। अगर बालों का ये लेवल है, अगर बालों का ये लेवल है, जैसे कि ये 5 का है, यहाँ पे लिखा होता है आप ये चीज़, और यहाँ पे ये चीज़ मैच कर सकते, जैसे कि यहाँ पे देखें ये लाइट ब्राउन है, 4.0 लाइट ब्राउन है, और यहाँ पे आप फोकस करें तो ये लाइट
ये लाइट ब्राउन जो है वो तीसरे कॉलम में, ये 4 के लेवल का बाल है लाइट ब्राउन। अगर आपके पास कोई लाइट ब्राउन वाला क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे 7.3 चाहिए, तो आप इधर से पहले तो गोल्डन को ढूंढें। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास गोल्डन की सीरीज है, इसमें ये 7.3 है। क्लाइंट कह रही है मैंने 7.3 करवाना है या 8.3 करवाना है, ठीक है 8.3 करवाना है, तो हम यहाँ से हमें आसानी मिल सकती है कि हमने वॉल्यूम कौन सा सिलेक्ट करना है, या हम डायरेक्ट जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते, या हमें प्री लाइटनिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखें 8.3 के हम कॉलम में जाएंगे और ऊपर से जो उनके बालों का लेवल है वो मैच करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे डॉट है, यानी कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको प्री लाइटनिंग करनी पड़ेगी। डॉट का मतलब है कि प्री लाइटनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर चले ऊपर देखते हैं कि क्लाइंट कहे कि मुझे 7.3 चाहिए और क्लाइंट के बालों का लेवल क्या है, लाइट ब्राउन, यानी कि 4 का लेवल का बाल है, तो हम यहाँ से इस कॉलम में जाके देखते हैं ये 30 वॉल्यूम के साथ। देखो आप लोगों को समझ आ रही है कि ये लेवल का फर्क होता है जी। आपका जितना लेवल लाइट होगा ना, इतना आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। सही, अगर डार्क होगा तो फिर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और यागी मैम 20-20 वॉल्यूम क्या लिखें? 20 वॉल्यूम ये लिखा हुआ है कि जैसे आप 4 का लेवल है, ये 5 का लेवल का बाल आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो यही वाला 7.3 आप 20 वॉल्यूम के साथ अचीव कर सकते हैं। जितना पतले नहीं होते, लेवल की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बालों के लेवल की बात हो रही है, ये 4 का लेवल है, ये 5 का लेवल है। जितना लेवल लाइट होगा इतना आप जो है ना कम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, और जितना कम वॉल्यूम यूज करेंगे इतना बाल सेव रहेंगे। 30 यूज करेंगे क्योंकि जब प्री लाइटनिंग करते हैं तो बाल आपके ड्राई हो जाते हैं, और प्री लाइटनिंग के बगैर करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है। और जितना वॉल्यूम कम करेंगे, 20 वॉल्यूम तो फॉर मॉइस्चराइजिंग भी यूज होता है, तो इससे आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होता 20 वॉल्यूम से। और कोशिश करें कि डायरेक्ट एप्लीकेशन करें तो 30 वॉल्यूम से भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब प्री लाइटनिंग करते हैं ना, जब हम ब्लीच मिक्स करते हैं तब हमारे बाल ड्राई होते हैं, और उसके बाद फिर हमें ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सारा ये चीज़ ऐसी है सेम, यहाँ पे ऊपर आपके बालों का लेवल है, यहाँ पे नीचे कलर है 4.4 है, बालों का क्या लेवल है, जहाँ पे डॉट आएगा वहाँ पे आप कट डाउन के बगैर नहीं कर सकते, डॉट नहीं है तो आप इस तरीके से ये वॉल्यूम के साथ वो चीज़ अचीव कर सकते। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यस मैम, मज़ीद आप लोगों को इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन आज नहीं काफ़ी है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, और आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट जो है ना, आप लोगों को इसमें मज़ीद और चीज़ें समझाऊँगी। थैंक यू मैम। व्यूअर्स, आप लोगों को भी आई होप कि समझ आ गई होगी। जो भी बिगनर्स हैं जिनके क्वेश्चंस मैं देखती हूँ, इसी वजह से ऐसा सिस्टम लेके आई हूँ कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों को भी समझ आए। अगर आप लोगों को समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।